समय से शौचालय निर्माण का कार्य पूरा न होने के कारण चंदौली जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल काफी नाराज दिख रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में डीपीआरओ सहित खंड विकास अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। मोदी के डीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 115 अति पिछड़े जिलों में शामिल चंदौली में भी शौचालय का निर्माण और स्वच्छता के प्रति अब लोगों को जागरूक किया जाने लगा है। इस अभियान के तहत सरकार और जिला प्रशासन द्वारा गांव में शौचालय बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी अपने क्रियाकलाप से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार शिकायतों को देखते हुए दिए गए समय से शौचालय निर्माण कार्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में डीपीआरओ सहित खंड विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, वहीं सभी को अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाने के भी आदेश दिए। साथ ही हर हालत में सभी गांवों में शौचालय के निर्माण पूरा करने का आदेश भी दिए। जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों से समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई और उस पर दिशा निर्देश दिए गए। 10 महीने पहले शौचालय के निर्माण के लिए प्रथम किस्त जारी होने के बावजूद शौचालय निर्माण न होने को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सजग किया और कहा कि वह अपनी जांच रिपोर्ट तुरंत दें और यदि किसी अधिकारी के द्वारा हीला हवाली की गई हो और इस कार्य में व्यवधान पड़ा है तथा कहीं भी उसके खिलाफ संलिप्तता पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता मिशन को लेके जिले के सभी अधिकारियों की BDOs की EDO पंचायत पंचायती राज विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक आज ली गई। जो हमारा रीसेंट अभी जो आने वाले समय का टारगेट है वो ये है कि 5 मई तक, जब तक हमारा ग्राम स्वराज अभियान खत्म होगा तब तक हमें 40 गांव जो हमारे ज़िले के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं उन सभी को हमें खुले में शौचमुक्त करना है। इसके अतिरिक्त हमारे को 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे ज़िले को खुले में शौचमुक्त करना है, जिसके लिए लगभग हमें 900 शौचालय प्रतिदिन बनाने हैं। तो उसकी समीक्षा की गई कि क्या हम जो प्रगति आवश्यक है, जिस तेज़ी से बनाया जाना है उससे तेज़ी से शौचालय बन रहे हैं कि नहीं, और निर्देश दिए गए कि सभी जो अधिकारी हैं वो गांव में जाकर शौचालय की गुणवत्ता जो है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि गुणवत्ता के साथ शौचालय बने ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। हमने पूरे जनपद के सभी ग्राम पंचायतों के खातों में कब पैसा ट्रांसफ़र हुआ और कितना पैसा अभी भी बाकी है, कितनों का यूटिलाइजेशन हो गया वो डिटेल्स मांगी है। उससे हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि कब जिले स्तर से पैसा भेजा गया था और उसमें से कितने का यूटिलाइजेशन उन्होंने किया है। जहाँ पर यूटिलाइजेशन करने में देरी हुई है या विलम्ब किया गया या शिथिलता बरती गई है, वहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे।